वैसे तो प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बन चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने स्पेकुलेशन दिए हैं, काफ़ी मैथ दिए हैं, काफ़ी स्टोरी बताई हैं। ऐसे ही एक स्टोरी और थ्योरी लेकर मैं आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना। तो वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन के टाइम पर कुछ देवता और कुछ असुर लोगों ने समुद्र मंथन किया था, एंड उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें निकलना स्टार्ट हो गई थी, जिसमें विष भी था, अमृत भी था, जीव जंतु और रत्न वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो एक जब विष निकल रहा था तो उस टाइम पे उसको लेने वाला कोई नहीं था, तो भगवान शिव ने अपने कंठक में ले लिया था। लेकिन कुछ बूंदें हैं वो असुर कली के ऊपर भी गिर गई थी, जिस वजह से उसका भौतिक शरीर तो मिट गया था लेकिन आत्मा जिंदा थी। एंड कुछ बूंदें फिर जब अमृत की निकलती हैं तो उसके दादा उसके माँ को पिला देते हैं, जिससे उसका शरीर तो खत्म था लेकिन उसकी आत्मा अमर हो गई थी। तो उसका अभी राज नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे सतयुग चल रहा था एंड वो कहीं ना कहीं छुपा ही बैठा था। एंड उसके बाद द्वापर त्रेता सब निकल गया। जब द्वापर का लास्ट चल रहा था तो उस टाइम पे कली का फिर से जन्म हुआ, मतलब उसकी आत्मा वहाँ से निकलना स्टार्ट हुई, एंड वहाँ के राजा महाराजाओं के मन में ऐसी वैसी बातें डाल के उनका विनाश करना स्टार्ट कर दिया। से कलयुग का स्टार्ट हो चुका है एंड अभी तक कलयुग चल रहा है, एंड इसका अंत जब समय आएगा तब हमारे धरती से सारे रिसोर्सेज खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें वायु जल मतलब जो रोजगार वगैरह बिल्डिंग वगैरह पैसा से लेके हर चीज खत्म हो जाने वाली है। एंड लोगों के पास ना खाना रहेगा ना पानी को पीने वो कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला, एंड ये सब रहेगा कि लोगों के पास वो होंगे बड़े लोग, यानी कि बड़े लोगों के पास सब कुछ रहने वाला है लेकिन जो मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं उनके पास कुछ नहीं बचेगा, वो भूखे बेरोजगार ऐसे दिन आ जाएंगे कि कुछ भी करने को नहीं बचेगा। तो आते हैं अब मूवी के ऊपर। तो मूवी में कुछ इस प्रकार की स्टोरी दिखाई गई है, यानी कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं जहां ना तो हमें सिटी देखने को मिल रही है ना लोगों का रहन सहन देखने को मिल रहा है, सिर्फ भुखमरी दिखाई दे रही है, बेरोजगारी दिखाई दे रही है और लोगों को ना पानी है ना खाने को, ऐसे दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर शोषण हो रहा है। एंड कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कली अभी भौतिक अवस्था में नहीं है लेकिन कलयुग के अंत में आ जाएगा, तो हो सकता है जो बड़े लोग हैं बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं वो कली का जन्म करने के लिए उसको अपना भगवान मानते होंगे कुछ, क्योंकि हर जगह अंधकार फैल जाएगा, पाप फैल जाएगा, बुराई फैल जाएगी। तो हो सकता है कुछ अंधकार के प्रवक्तक होंगे, वो उनके भौतिक शरीर की व्यवस्था कर रहे होंगे, यानी कि लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, हर जगह से हर कंट्री से लोगों को पकड़ कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि भौतिक अवस्था में उसको लाना है कल्कि को, इसलिए इसका प्रोजेक्ट के नाम से वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि जो कलि रहेगा उसको काफ़ी अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा होस्ट चाहिए, क्योंकि उसकी पावर को जो सारा एब्जॉर्व कर पाए। तो हो सकता है इसी प्रकार से सारे लोगों को वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, लड़का लड़कों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, औरतों के ऊपर। तो ऐसा मूवी में दिखाया गया है एक सीन में, तो हो सकता है ऐसा ही चल रहा है सीन। एंड इसमें आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि इसमें एक भगवान शिव का मंदिर दिखाया गया था जहाँ पर अश्वत्थामा थे। तो एक चीज़ की थ्योरी ये भी हो सकती है कि हो सकता है इस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया हो कि भगवान का अवसर मिट चुका है, यानी कि ना भगवान है, ना कोई मानता है, ना हो बच्ची इस बात की, सबसे बुराई को जानते हैं, पाप को जानते हैं और कलि को जानते हैं, यानी कि भगवान को नाम मिट चुका है। रामायण महाभारत वेद पुराण सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका है, ऐसी स्टोरी सुनाने वाला भी कोई नहीं बचा है। उस टाइम पे जो मंदिर वगैरह हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि बचा ही नहीं है कुछ धरती पर। तो जो लास्ट मंदिर बचा होगा, शिव का टेम्पल बचा होगा, वहाँ पे भी बमबारी हो रही होगी लेकिन वहाँ पर सडनली जो अश्वत्थामा होंगे वो मौन अवस्था में विराजमान होंगे, लेकिन जैसे ही वो बमबारी वगैरह स्टार्ट होती होगी उनका वो निंद्रा से जागते होंगे एंड उसके जो शिव भगवान हैं उसकी रक्षा करने के लिए आगे आते होंगे, एंड वो ही होंगे जो इस मूवी में हमें एक अच्छाई की जो ज्योति है उसको जगाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो बताएंगे कि अभी कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है। कुछ लोगों को पता भी होगा कि कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है एंड कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इस हो सकता है अश्वत्थामा उनको बताएं, रूबरू कराएं इस बात से एंड हमें पता चले कि मूवी में कल्कि का जन्म तो हो चुका है लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो हो सकता है ऐसी स्टोरी में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट है स्टोरी। एंड कलि का क्या होना है, यानी कि उसको भौतिक अवस्था जब मिल जाएगी, उसको होस्ट मिल जाएगा, तो वो तो पाप बढ़ाना ही है उसको, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी होने वाली है एंड उसके पास काफ़ी बड़ी आर्मी होने वाली है, रोबोट आर्मी होगी, क्लोन होंगे एंड हर प्रकार के एडवांस उसके पास टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि मूवी के अंदर हमें बिल्कुल जो है हमारा फ्यूचर देखने को मिलने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि
देश विदेश हर जगह पाप बढ़ रहे हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, धीरे धीरे भुखमरी बढ़ेगी एंड धीरे धीरे हमारा जो कलयुग है वो लास्ट स्टेज पर आना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ भी रिसोर्स नहीं बचने हैं, बड़े लोगों के पास तो सब बचेगा। जैसे आप लोगों ने स्नोपीर्सर नाम की मूवी देखी होगी, उसमें एक ट्रेन में सभी लोग रहते हैं लेकिन जो धरती है वो ग्लेशियर की वजह से बर्फ़ में जम जाती है, तो उसमें कुछ लोग रहते हैं बड़े लोग जिनको अच्छा कुछ दिया जाता है लेकिन कुछ गरीब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं उनको पीछे साइड में डाल दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमें मूवी में भी देखने को मिलेगा यार, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हद तक वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो फ्यूचर में घटित होने वाली है, यानी कि फ्यूचर में ना तो लोगों के पास होप बचनी है ना ही भगवान की कोई पूजा करता होगा। तो ऐसे टाइम पर अश्वत्थामा को दिखाना काफ़ी ऑब्वियस ही बात है एंड ऐसे में भगवान कल्कि का जन्म होना भी काफ़ी लाजमी है, क्योंकि पाप बढ़ जाएगा जहाँ पर ना तो कोई उम्मीद है तो वहाँ पर भगवान का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण वो ही होते हैं एंड हमें पाप से बचाने के लिए भी वो ही आएंगे। तो इस मूवी के अंदर हमें इसी चीज़ का मैसेज दिया जाएगा एंड इसी चीज़ की होप को दिखाया जाएगा कि हम भगवान पर अभी विश्वास रखें क्योंकि भगवान हैं एंड कुछ लोगों के मन में भगवान की वासना ख़त्म हो चुकी है, भगवान को कोई लोग नहीं मानता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं सब अपने कर्मों के जैसे कर रहे हैं, भगवान का कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा है। तो यही तो कलि चाहता है कि धीरे धीरे भगवान का विनाश हो जाए, भगवान ना बचे, लोगों के मन से खत्म हो जाए। तो यही तो धीरे धीरे पाप बढ़ रहा है देश में और कलयुग चल रहा है अपने धीरे धीरे, लोगों को मार रहे हैं, भाई भाई को नहीं समझता है, घर परिवार में लड़ते झगड़ते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो रियलिटी पर अपन अगर फोकस करें तो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यही सब चलता है और यही सब चलना है। तो आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी एज अ ऑडियंस बता रहा हूँ, मैं भी जब वीडियो देखता हूँ किसी का तो मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ उस टाइम पे कि चैनल सब्सक्राइब भी करना है। एंड मैं इसके पहले वीडियो डालता था गेमिंग की, जिस वजह से वो वीडियो मेरा काफ़ी रीच करता था, काफ़ी इंप्रेशन आते थे, लेकिन वो गेम बंद हो चुका है, मैंने गेमिंग की वीडियो डालना बंद कर दी, कॉन्टेंट चेंज कर दिया है क्योंकि जिस गेम को डालता था उन लोगों ने मेरे ऊपर स्ट्राइक भी लगा दी थी, इस वजह से मैंने गेम बंद कर दिया है डालना। मैं अब थोड़ा कॉन्टेंट चेंज कर रहा हूँ, पब्लिक से डिमांड है कि वो थोड़ा सपोर्ट करें, चलो सब्सक्राइब करें एंड मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं भी ग्रो करूँ एंड आप लोगों को कुछ अच्छा सा वीडियो डालूँ एंड आप लोगों को मोटिवेट करूँ। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना एंड भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि भगवान हर जगह है एंड आपके मन में आपके पास हैं, इसलिए भगवान पर कभी विश्वास नहीं घटाना अपना। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।